दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की टॉप 20 फुटफॉल्स और फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये फुटफॉल्स की लिस्ट सन 1990 से लेकर अब तक की है। दोस्तों, कई लोगों को फुटफॉल्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फुटफॉल्स क्या होता है। दोस्तों, फुटफॉल्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, यानी फिल्म के कुल कितने टिकट्स बिके थे और कितने ऑडियंस थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे। दोस्तों, अभी के फिल्म भले ज्यादा कमाई कर लेती है, लेकिन फुटफॉल्स के मामले में वे फिल्म पहले की कई फिल्मों से पीछे रहती है, क्योंकि ज्यादा कलेक्शन के नाम से टिकट्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। पहले लोगों के पास मूवीज देखने का ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं रहता था, इसलिए थिएटर जाते थे लोग और फिल्म देखते थे। अभी लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है और जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, तब से थिएटर का क्रेज भी पहले से कम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 20, मोहब्बते। दोस्तों, ये फिल्म ऋतिक रोशन और संजय दत्त की फिल्म मिशन कश्मीर के साथ क्लैश हुई थी और इस क्लैश में मोहब्बते ने बाजी मारी थी। मोहब्बते ने बॉक्स ऑफिस में 42 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड में 90 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें फुटफॉल्स की, तो इस फिल्म का फुटफॉल्स 2,68,00,000 रहा था। इस फिल्म के सभी गाने उस समय सुपरहिट रहे थे और आज भी सुपरहिट है। अगर ये फिल्म क्लैश ना होती तो इस फिल्म का फुटफॉल्स टॉप 10 में जरूर होता। नंबर 19, हम साथ साथ है। सूरज बड़जात्या की मल्टी स्टार और फैमिली ड्रामा इस फिल्म ने भी बहुत से ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा था। इस फिल्म में सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान सहित कई एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 40 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड में 82 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों, अगर बात करें फुटफॉल्स की, तो इस फिल्म का फुटफॉल्स 2,86,00,000 था। नंबर 18, दिल तो पागल है। शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित की ये फिल्म गानों के कारण ही अच्छी चली थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भी कैमियो किया था। इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 35 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्डवाइड में 72 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 2,96,00,000 था। नंबर 17, धूम 3। धूम सीरीज की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस में सक्सेस रही है और धूम 3 धूम सीरीज की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान और कैटरीना कैफ दो नई चेहरे नजर आए थे। इस फिल्म में आमिर खान ने डबल रोल निभाया था। धूम 3 बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके टिकट्स 1,000 रुपए से भी ज्यादा रखे गए थे, फिर भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 284 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्डवाइड में 558 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 2,98,00,000 था। नंबर 16, करण अर्जुन। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान पहली बार साथ नजर आए थे। ये फिल्म दोनों के फैंस के लिए बहुत बड़ी ट्रीट साबित हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 25,30,00,000 का कलेक्शन किया था तो वर्ल्डवाइड में 44 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3 करोड़ था। नंबर 15, कहो ना प्यार है। इस फिल्म से ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया था और रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म ने कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 44,30,00,000 का कलेक्शन किया था तो वर्ल्डवाइड में 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,07,00,000 था। नंबर 14, टाइगर जिंदा है। ये फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल थी और इस फिल्म में भी सलमान खान और कैटरीना कैफ नजर आए थे। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 340 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्डवाइड में 568 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,09,00,000 था। नंबर 13, कभी खुशी कभी गम।
धर्मा प्रोडक्शन की अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन और जया बच्चन नजर आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 56 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 136 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,12,00,000 था। नंबर 12, थ्री इडियट्स। जब फिल्म 100 करोड़ भी मुश्किल से कमाती थी तब इस फिल्म ने 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये बॉलीवुड की पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म रही थी। इस फिल्म ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए रिकॉर्ड्स बनाए थे और इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ने में कई साल का समय लगा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 203 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 460 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,18,00,000 था। नंबर 11, सुल्तान। इस फिल्म में सलमान खान ने बहुत मेहनत की थी और उनकी मेहनत रंग भी लाई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 301 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में 608 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,21,00,000 था। नंबर 10, पीके। राजकुमार हिरानी और आमिर खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पीके ने उस समय कई रिकॉर्ड्स तोड़े थे और नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 341 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में 792 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,51,00,000 था। नंबर 9, बजरंगी भाईजान। ये फिल्म सलमान खान की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में सलमान खान ने जबरदस्त एक्टिंग भी की थी। ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सलमान खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के सभी गाने भी सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 321 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 922 करोड़ का कलेक्शन किया था और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,55,00,000 था। नंबर 8, कुछ कुछ होता है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। लव ट्रायंगल वाली टॉपिक में ये फिल्म अब तक की नंबर 1 फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे थे और अभी भी सुपरहिट है। इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड और कुल 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 47 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 107 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,57,00,000 था। नंबर 7, दंगल। ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही है। हालांकि इस फिल्म से ज्यादा बाहुबली 2 ने हिंदी वर्जन में कमाए थे लेकिन वो साउथ फिल्म थी। दंगल ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि चाइना में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। ये फिल्म भारत की वर्ल्ड वाइड में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है। इस फिल्म के रिकॉर्ड को अब तक किसी भी फिल्म ने नहीं तोड़ा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 387 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 2,122 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,70,00,000 था। नंबर 6, बॉर्डर। ये फिल्म देशभक्ति पर बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म का संदेश आते हैं वाला गाना तो एवरग्रीन बन के रह गया। इतने साल हो चुके हैं फिर भी इस गाने को हमेशा सुना जाता है। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, पुनीत इसर और अक्षय खन्ना सभी ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म में जान डाल दी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 40 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 66 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल्स 3,71,00,000 था। नंबर 5, राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे थे और इस फिल्म के हिट होने का सबसे बड़ा कारण इसके गाने ही थे। ये फिल्म आमिर खान की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 43,15,00,000 का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 77 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म
ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल 4 करोड़ 10 लाख था। नंबर 4, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म शाहरुख खान और काजोल की उनके कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म रही है। ये फिल्म बॉलीवुड की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म भी रही है। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का और काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म ने 1 नेशनल अवार्ड और कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म के सभी गाने एवरग्रीन बन के रह गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 54 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 104 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल 4 करोड़ 80 लाख था। नंबर 3, गदर एक प्रेम कथा। ये फिल्म आमिर खान की फिल्म लगान के साथ क्लैश हुई थी। अगर ये फिल्म क्लैश ना होती तो गदर टॉप फुटफॉल्स की लिस्ट में नंबर 1 पर होती, क्योंकि लगान और गदर का क्लैश बॉलीवुड इतिहास का सबसे बड़ा क्लैश माना जाता है। क्लैश के बावजूद भी गदर ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और लगान को बहुत बड़ी अंतर से मात दी थी। इतने साल हो गए हैं फिर भी ये फिल्म अब भी टॉप 3 में बनी हुई है। कहा जाता है कि गदर फिल्म के टिकट्स सबसे ज्यादा ब्लैक में बिके थे, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गदर का क्रेज कैसा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 77 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 134 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल 5 करोड़ 6 लाख था। नंबर 2, बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन। ये फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये फिल्म इतनी हाउसफुल जा रही थी कि सुबह सुबह 6 से 7 बजे से इसके शोज लगने शुरू हो गए थे। सभी को ये जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और ये जानने के लिए लोग इंतजार भी नहीं कर पा रहे थे। इस फिल्म ने सभी लैंग्वेजेस में बॉक्स ऑफिस में 1031 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 1811 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल 5 करोड़ 26 लाख था। नंबर 1, हम आपके हैं कौन। इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनी कि सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ये फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सके, और शायद ये फिल्म का रिकॉर्ड कभी टूटेगा ही नहीं क्योंकि अब वैसे ही बॉलीवुड का क्रेज भी कम हो चुका है। ये फिल्म नदिया के पार फिल्म की रीमेक थी। उसके बावजूद इस फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। टिकट्स के रेट कम होने के कारण इस फिल्म के कलेक्शन भी कम हुए थे, लेकिन उस समय के हिसाब से ये फिल्म के कलेक्शन बहुत बहुत ज्यादा थे। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 73 करोड़ का कलेक्शन किया था तो वर्ल्ड वाइड में 128 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का फुटफॉल 7 करोड़ 40 लाख था। दोस्तों, जहां अभी भी कई फिल्म 70 करोड़ का कलेक्शन भी ठीक से नहीं कर पाती, वहीं इस फिल्म ने सन 1994 में 73 करोड़ का कलेक्शन किया था। दोस्तों, इस फिल्म का फुटफॉल बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म का ये रिकॉर्ड कभी कोई तोड़ भी पाएगा। 27 साल बीत चुके हैं इस फिल्म को, लेकिन अब तक कोई फिल्म 6 करोड़ का फुटफॉल भी पार नहीं कर पाई है, तो इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ना तो नामुमकिन सा है। दोस्तों, इन 20 फिल्मों में से मेरा फेवरेट फिल्म गदर और बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन है। वैसे आपका इन 20 फिल्मों में से फेवरेट फिल्म कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इन टॉप 20 फिल्मों में शाहरुख खान की 6 फिल्म है, सलमान खान की भी 6 फिल्म है, आमिर खान की 5 फिल्म है, सनी देओल की 2 फिल्म है, ऋतिक रोशन की भी 2 फिल्म है और अमिताभ बच्चन की भी 2 फिल्म है और प्रभास की 1 फिल्म है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।